अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की इस सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग से मनन करने जा रहे हैं वो है इफिसियो चौथे अध्याय के 14वें और 15वें वाक्य से, जो इस प्रकार है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ढंग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम से सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो स्थिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। इस अनुग्रहित वचन से आज हम प्रेम से बातें करें विषय में मनन करेंगे। एक संपूर्ण बढ़ोतरी के लिए ये वचन हमें सिखाता है, सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। एक संपूर्ण बढ़ोतरी पाने के लिए हम क्या बोलते हैं इस पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रेम से बातें करें, प्रेम से और सच्चाई के साथ बातें करें। आज के समय में जब प्रेम और सच्चाई का कोई मूल्य नहीं है, इस समय में जब आप कुछ सच्चाइयों को जानते हो तो शायद आपके अंदर क्रोध और नफरत आ सकती है, लेकिन फिर भी प्रेम के साथ आप सच्चाई से बातें करें जो आपकी मसीह की और बढ़ोतरी को बढ़ाएगा। प्रेम से बात करने से वो रिश्ते भी जो टूटने वाले होते हैं उन्हें जोड़कर दृढ़ किया जा सकता है। एक बार एक सन्यासी से एक संपन्न व्यक्ति ने बड़े ही दुख के साथ इस प्रकार पूछा, हे गुरु, मैंने अपने जीवन में सब प्राप्त किया लेकिन फिर भी मुझमें आनंद नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी एक शून्यता मेरे जीवन में मैं अनुभव करता हूँ। इस संपन्न व्यक्ति के सवाल को सुनने के बाद उस ज्ञानी स्वामी ने थोड़ी देर सोचा और इस प्रकार पूछा, क्या तुमने आज तक किसी से प्रेम किया है? ऐसे एक सवाल की उस व्यक्ति ने कभी प्रतीक्षा नहीं करी थी, पर फिर भी उस सवाल के सामने वो टूट गया। अपने बिजनेस को बढ़ाने के कठिन परिश्रम के समय में अपने साथ काम करने वालों से प्रेम रखना या अपने परिवार से प्रेम रखना या फिर अपने बच्चे को प्यार से गले लगाना तक वो भूल गया था। और इसीलिए वचन हमें याद दिलाता है कि चाहे हमारे पास सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम इस संसार में कुछ लेकर नहीं आए हैं और ना ही हम इस संसार से कुछ लेकर जाएंगे। हम जिस कलीसिया में रहते हैं, हम जिस समूह में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वहां पर एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हम प्रेम करने वाले बने। किसी को किसी से कोई प्रेम नहीं है, वो पहले वाला प्रेम कहीं खो गया है, ऐसा कहने वाले लोगों के साथ मिलकर कहने के लिए नहीं, परंतु पवित्र शास्त्र के अनुसार जो आप चाहते हो कि लोग आपके साथ करें, वो आप पहले दूसरों के साथ करें। इसको अपने जीवन का आधार बनाकर हम दूसरों से प्रेम करने वाले बने। जिस प्रकार एक संगीतकार गाता है कि प्रेम से एक घर बनाते हैं, परमेश्वर के प्रेम से एक घर बनाते हैं। हमारे व्यवहार के द्वारा बहुत से संबंध टूट जाते हैं और जो संबंध रह जाते हैं वो भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए संपत्ति, पदवी और अनेक प्रकार की सांसारिक चीजों को मूल्य देने के बजाय हम प्रेम को मूल्य दें, प्रेम करने वाले बने। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में संपूर्ण बढ़ोतरी पाने में परमेश्वर आप हमारी सहायता करें। प्रेम में सच्चाई के साथ जीवन जीने में आप हमारी सहायता करें। और इस छोटी सी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।